नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंह कंपटीशन टारगेट क्लास में। दोस्तों मैं आज आपको UPPSL में जो आने वाला एग्ज़ाम है जो कि 8 तारीख से 7 स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए जो भी कंप्यूटर का जो पेपर होगा उसमें 50-60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए मैं आपको महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूँ। और आप अगर आप इसे याद करते हैं तो ये आने वाली सभी एग्जामों के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा, खासतौर से UPPSL के लिए कि 8 दिन बचे हुए हैं। उसमें हम अब किस कैसे अच्छे से तैयारी करें ताकि हमारे अधिक से अधिक क्वेश्चन हल हो सके। चलिए शुरुआत करता हूँ। पहला जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर का जो फादर किसे कहते हैं, उसका नाम है सेमूर ग्रे। दूसरा प्रश्न आता है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस का जो फादर बोलते हैं एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है वो है फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश इन इंडिया वाज, कहाँ पे हुआ था पहला साइबर पुलिस स्टेशन, है बंगलोर। चौथा प्रश्न आ रहा है सामने हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल इन द URL। HTTP आपने देखा होगा, ऊपर लिखा होता है HTTP, तो उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल। तो इसमें जो प्रोटोकॉल होता है URL में उसको HTTP बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है DVD स्टैंड्स फॉर किस, DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क, और CD क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। छः नंबर प्रश्न है इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, पैकेट स्विच नेटवर्क का। सातवां प्रश्न है वीडियो रैम इज देयर इन, कहाँ पे होता है वीडियो रैम, मॉनिटर के अंदर होता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। फॉर सीइंग द आउटपुट यू यूज, अगर हमें आउटपुट जो अगर होता है तो उसको देखने के क्या यूज़ करते हैं, मॉनिटर का यूज़ करते हैं। नंबर 10 प्रश्न है विथ CD यू कैन, क्या कर सकते हैं CD में, हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। 11वां प्रश्न आ रहा है इन DOS द DIR कमांड इज यूज, किस लिए होता है, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्या है, सॉफ्टवेयर बोलते हैं उसको। 1 KB इज इक्वेलेंट टू 1024 byte, 1 MB बराबर 1024 KB होता है, और 1 GB में कितना होता है, 1024 MB होता है, और 1 TB में कितना होता है, 1024 GB होता है। हु इज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स ली। 15वां प्रश्न है हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस, किसने किया था, डॉगलस कार्ल एंजिल बार्ट ने। हु इज द फाउंडर ऑफ हॉटमेल, हॉटमेल के जो संस्थापक थे वो थे सबीर भाटिया जो कि इंडियन थे। वेयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया, सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। एंड इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी IP मीन्स क्या होता है, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड द, क्या कहते हैं, होम पेज बोलते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व एज कंप्यूटर लिटरेसी डे, किसे कहते हैं, किस दिन कहता है, वो कहता है 2 दिसंबर को। अब आता है नंबर 21 का, विच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड माउस एज एन इनपुट डिवाइस, उसका नाम है एप्पल कॉरपोरेशन। एप्पल कंपनी ने माउस को सबसे पहले इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया था। विच इज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर कौन सा है, आंसर है द अल्टायर। 23rd प्रश्न है अ ग्रुप ऑफ 4 bit इज कॉल्ड, एक ग्रुप ऑफ 4 bit को क्या बोलते हैं, बोलते हैं निबल। वेयर इज द टेक्नो पार्क इन इंडिया सिचुएटेड, टेक्नो पार्क कहाँ पे है इंडिया में, वो है त्रिवेंद्रम केरला में। 25वां प्रश्न है इंडिया फर्स्ट प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सत्यम इन्फो वे लिमिटेड। अब हम आपको 26 प्रश्न है,
हु रोट द ऑटोबायोग्राफी पासेस फ्रॉम लाइफ ऑफ अ फिलोसफर, यह है चार्ल्स बेबेज। 27 प्रश्न है, इंटरनेट कंट्रोलिंग इन इंडिया इज किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। 28वां प्रश्न है, नेम द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, सबसे पहला कंप्यूटर सुपर वर्ल्ड कौन था। कुछ कहीं मैंने आंसर देखा तो कहीं एटलस लिखा हुआ था और कहीं पे CDC 6600। CDC 6600 रिलीज इन 1964 इज जनरली कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, और मैंने नेट पे देखा तो कहीं लिखा हुआ था एटलस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कि हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। वेब, वेब का फुल फॉर्म है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। कॉम्पैक्ट डिस्क इन्वेंटेड किसने किया था, जेम्स टी रसेल ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी इंट्रोड्यूस्ड, सी को किसने इंट्रोड्यूस किया था, डेनिस रिटची ने, डेनिस रिटची ने। 33 प्रश्न है, विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज फॉर एक्सेसिंग साइट्स और इंफॉर्मेशन ऑन ए नेटवर्क एज द वर्ल्ड वाइड वेब, उसको क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर बोलते हैं। इट इज़ द स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर बाई अ वेब ब्राउजर फॉर मेंटेनिंग द स्टेट। वाट आर द टॉकिंग अबाउट, इसको बोलते हैं कुकीज। विच कंपनी इज निकनेम्ड बिग ब्लू, किसको बोलते हैं, IBM को। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। फिर आता है द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट क्या होता है, TCP या IP। IP को मैं बता चुका हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। फिर आता है द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस को बोलते हैं हॉटमेल, जिसकी स्थापना किसने की थी, सबीर भाटिया ने, जो कि एक इंडियन थे। इसका देखिए, सबीर भाटिया ऑफ इंडिया एंड जैक स्मिथ फाउंडेड द फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस हॉटमेल इन 1995। हॉटमेल वॉज कमर्शियली लॉन्च इन 4th जुलाई 1996 एज ए हॉटमेल ऑन अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। ये है अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, 4 जुलाई 1998 को हॉटमेल लॉन्च किया गया था 1995 में। सो वाई द नेम इज हॉटमेल। लेजर प्रिंटर का खोज किसने किया था, गैरी स्टार्क ने, वेदर, गैरी स्टार्क वेदर एट जीरोक्स, एक जगह है, ऑफिस है इन 1969 में। 39 क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट IC जो होता है उसको किसने खोज किया था, जैक किल्वे और रॉबर्ट नॉयस 1958 में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, IC के फुल फॉर्म में पूछा जाता है, यह है IC। अब आपका आता है देखिए फ्लॉपी, फ्लॉपी एलन सुगर एंड IBM, फ्लॉपी डिस्क का इसने खोज किया था, IBM कंपनी है एलन सुगर। अब 41 प्रश्न है, हु प्रोग्राम द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर गेम स्पेस वार इन 1962, ये किसने किया था स्पेस वार गेम को, स्टीव रसेल ने। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग लैपटॉप, इसका खोज किसने किया था, सेमूर क्रे ने। हु क्रिएटेड द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेनिस रिटची। वेन नेस्कॉम नेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, वाज इस्टेब्लिश्ड 1988। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट, उसको बोलते हैं, उनका नाम था विंट सर्फ। विच वन इज द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, फोरट्रान, यह फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग। फिर आता है विच वन इज द फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन क्या है, उसका नाम है वर्ड स्टार। विच वन इज द करेंट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, का नाम है परम युवा सेकेंड, यह है इस इंडिया का सुपर कंप्यूटर, बच्चों की वर्तमान में है
इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 800 8000 वॉज इंस्टॉल्ड इन 1991 में। 50वां प्रश्न है, हु टेबलेट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने खोज किया था, डेवलप किया था? जेम्स गोसलिंग ने, जेम्स गोसलिंग ने। फिर प्रश्न आता है आपका, विच वन इज वोलेटाइल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। में वोलेटाइल मेमोरी को क्या होता है? रैम होता है, रीड एक्सेस मेमोरी, और रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। 1 TB किसके बराबर होता है? 1024 GB के बराबर होता है। हु फर्स्ट डेवलप्ड क्वार्टी कीबोर्ड यूज इन कंप्यूटर्स एंड फोन्स। उनका नाम है क्रिस्टोफर लेथम सोर्स ने। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड एंड यूज बाई एप्पल INC। उसका नाम है iOS के द्वारा, वो उनका ब्राउजर है उनका। 55 प्रश्न, लाइनस टॉरवाल्स डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम? लाइनक्स को उन्होंने खोज किया था, लाइनक्स को। तो ये था 55 क्वेश्चन, जो कि UPSC के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए मेरे ढेर सारी शुभकामनाएँ। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।